कहाँ रह गया यार ये, पता नहीं साला। ओए आ गया आ गया, सुनो इसके पास में लड्डू है, लड्डू खोसने। ठीक है, अबे क्या माल लिया है इसमें यार? वो मम्मी ने रास्ते के लिए लड्डू दिए ना। अबे छोटा बच्चा है क्या, हॉस्टल जा रहा है क्या? यहाँ पकड़ा है, और ये हुक्का पकड़ साले, हुक्का। और तुम्हारा भाई रास्ते में माहौल सेट करने के लिए लाया एकदम चिल्ड बियर। चिल्ड बियर होता है। अबे समझ गया ना तू। अबे तेरे भाई ने बना लिया प्लेलिस्ट, वो भी तगड़ी वाली, स्पीकर फाड़ देंगे। किसकी गाड़ी में जा रहे हैं? गाड़ी किसकी जाएगी? हाँ जी मम्मी। अच्छा अभी आया, बस अभी आया। भाई भाई सॉरी भाई, मैं तो नहीं आ पाऊंगा आज यार, वो मामा ना, मामा एक्सपायर हो गए यार। भाई ठीक है सॉरी। अबे सुन तो सही। अबे ये तो साला है ही सांप, हर ट्रिप पे ऐसे एंड में डस के भाग जाता है। लेकिन तू तो गाड़ी लाने वाला था यार। मैं साले, तुझे लगता है मेरे बाबा कभी मुझे गाड़ी देगा? पिछली बार लेकर आया था तुम्हारे कहने पे, कोई कबाड़ी वाला नहीं पूछ रहा उसे। ओ भाई देखे मेरी तरफ को मत देख यार, मुझे रोटी भी कैसे कैसे मिल रही है, अब उन्हें बंद करवाएगा क्या? क्या करें फिर अब? नहीं यार भाई, समझा करो, गुलाबों बहन की गाड़ी है भाई, प्लीज। ठीक है ला रहा हूं। चलो अपना तो सामान हो गया फुल सेट। अरे ले ये अपने बैग में रख ले सामान। मम्मी इसमें जगह नहीं है। तू खोल, मैं बनाती हूँ जगह। जब जगह है ही नहीं तो आप कहाँ से बना दोगे? तू खोल रहा है या मैं खोलूं? लो खोल दिया, बताना कहाँ है जगह। ये क्या अड़ कबड़ भर रखा है, और इतने सारे कपड़े, घूमने जा रहे है कपड़े बेचने जा रहे है? निकाल इस कबाड़ को। ये डब्बे रखने हैं, ये आलू पूरी का डब्बा, ये अचार का डब्बा, ये पराठों का डब्बा, और ये दवाइयों का डब्बा, और ये डब्बों का डब्बा, और ये अब्बा डब्बा जब्बा। मम्मी जी एक काम करो, आप भी इसी डब्बे में बैठ के चलो। चुप हो जा तू, ऐसे बोलो जैसे तुझे सारा सामान अपने कंधे पर लेकर जाना हो। ठीक है रख रहा हूँ। और हाँ ये भी रख लियो, रास्ते में ठंड लगी तो। ठीक है। मैं सालों खड़े-खड़े देख रहा हूँ, मदद करा दो ना भाई, प्लीज सामान अंदर रखो मेरा यार। साले तेरे नौकर लग रहे हैं क्या? और ये क्या है, ये इतना बड़ा बैग, ये नहीं आएगा गाड़ी में? अबे यार इसमें सब मेरी जरूरत का सामान है यार। साले एक बात बता, एक जोड़ी कच्चे बनियान के अलावा और क्या है तेरी जरूरत? और क्या, कपड़े भी तुझे हमारे मांग के पहनने हैं, जा घर रख कर इसे। तो भाई प्लीज समझो ना यार, हो जाएगा यार एडजस्ट, यार क्या कर रहे हो? एक काम कर, ना तुझे ले जा रहे ना तेरा बैग ले जा रहे, तू वापस जा, चल घर जा तू। अच्छा रुक यार, रुक रुक रुक। नहीं रुक रहा भाई, तू वापस जाना, तू जा। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ रख के सामान यार। हो गया पापा चले। अरे अभी कहाँ चले, नीला वाला बैग कहाँ है? जा जाके लेकर आ। रख दिया मम्मी जी, अब चले। अरे कंबल तो अंदर ही रह गया, जा लेकर आ जा, जा। ये लो मम्मी जी, पीछे तो जगह नहीं है, यहीं रख लो। बस मम्मी जी अब तो चले। मेरा सेविंग का डिब्बा लेता हुआ। अरे पापा जी क्यों खून पी रहे हो, वहाँ बड़ा नोरा फतेही तुम्हारे सामने दिल पर डांस करने आ रही है, जो वहाँ शेविंग करोगे तुम तो उसे कहा, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो कह दी ना, लेगा तो लेगा। ला रहा हूँ। और किसी को कृपया कर कुछ चाहिए हो तो अभी बता दे। मम्मी लिपस्टिक बिंदी कुछ, पापा जी पर्स। ओहो दो चक्कर में तेरे पैर दुख गए, जा लेकर आ, कुछ नहीं बचा। और ला रहा हूँ।
हाँ भाई सुन, मेरा हेडफोन भी लेते आई हो। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। लो पापा जी आपका शेविंग का डिब्बा, ले पकड़ तेरा हेडफोन। लेकिन अब मैं अपना बैग कहाँ रखूँ? तो बैग की क्या जरूरत है, तू एक एक जोड़ी लत्तान में एक एक महीना गुजार दे, जाए बैग इधर का। पापा जी बिल्कुल पागल ही समझ रहे हो क्या हैं? जैसे आप कहोगे वैसे ही होएगा। क्या कह रहा? मेरा मतलब है कि मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ पापा जी, मैं तो बता रहा हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसा ही तो होगा। मैं रख के आता हूँ ये फालतू सा बैग। यार मैं तो सो रहा हूँ। सो जा यार, मैच भी इतना बोरिंग चल रहा है ना, कसम से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार देखने का। अबे ऐसे थोड़ी मैच का मजा आएगा, मैच पे प्रिडिक्शन कर, रूखे सूखे में मजा नहीं आता भाई मैच में। लेकिन प्रिडिक्शन करूँ कहाँ? परी मैच है ना उस पे कर। परी मैच? बस तुझे परी मैच भी नहीं पता? रुक बताता हूँ। देख भाई परी मैच ऐप में ना तू अलग अलग चैंपियनशिप्स में प्रेडिक्शन कर सकता है, वो भी अलग अलग गेम्स में, जैसे कि फुटबॉल, टेबल टेनिस और तो और कबड्डी में भी। अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार मुझे तो आईपीएल में प्रेडिक्शन करनी है ना। अरे भाई परी मैच ऐप पे तू आईपीएल में भी प्रेडिक्शन कर सकता है। अच्छा जी, पर यार ये सेफ तो है ना? अब परी मैच एक लीगल ऐप है भाई, ये ना एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये 27 साल से मार्केट में है और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी डेल स्टेन है, तो तू इस पर आराम से ट्रस्ट कर सकता है। डेल स्टेन? हाँ भाई, इसमें डिपॉजिट बहुत कम करना होता है, विड्रॉल बहुत फास्ट होता है और 24/7 कस्टमर सर्विस भी मिलती है। अच्छा जी। हाँ भाई, और परी मैच ने ना अपने यूजर्स के लिए नया कैशबैक फीचर भी निकाला है। मैं इसे अभी डाउनलोड करता हूँ भाई। हाँ भाई, बस अपने फोन में गूगल खोल, परी मैच लिख और इसे डाउनलोड कर ले, उसके बाद तुझे 15,000 का वेलकम बोनस भी मिलेगा। सही है भाई, चल तू मैच एंजॉय कर, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है। चलो भाई डीजल डलवा लो। हाँ भरवा लो। हाँ हाँ भरवाओ भरवाओ। भरवाओ भरवाओ क्या, साइकिल के टायर में हवा डलवानी है? डीजल डलवाना है, पैसे निकालो दोनों। भाई मेरे पास तो 500 रुपए हैं यार। अबे तू स्कूल की ट्रिप पे आया क्या यार, जो 500 का एक नोट लेके चल दिया, हद हो गई। सूरज तू डलवा यार। अब भाई मैंने अभी तो टोल के पैसे दिए थे यार। अब टोल तूने कितने का दिया है? 100 रुपए का टोल होता है, तू मेरे से ले ले 100 रुपए और 4,000 रुपए का डीजल तू भरवा दे यहाँ। तो तू मेरे को क्यों बोल रहा है, इसको क्यों नहीं बोल रहा? ये अपने फूफा की शादी में आया हुआ है, इसको भी बोल। ओ भाई बियर नहीं लेकर आऊंगा मैं, फ्री के आती है क्या बियर? बस सालो कर दी ना छोटी बात, 100 रुपए का टोल, बियर इतना ही जोड़ रहे हो ना, तो जो मैं अपनी बहन की गाड़ी लेके आया हूँ ये 3 दिन तक पहाड़ों में टूटेगी, इसका भी गिनो ना भाड़ा। तू बहुत बड़ी बात कर रहा है भाई, है तुझे गाड़ी का भाड़ा भी चाहिए? तेरी बहन हमारी बहन नहीं है क्या? अबे भाई अब लड़ो मत, करना क्या ये बताओ यार। करेंगे क्या, अब डलवाऊंगा। लेकिन भाई एक बात बता रहा हूँ, घर जाते ही सबसे पहले हिसाब करूंगा और जिसने पैसे नहीं दिए ना इसी गाड़ी के टायर के नीचे उसका सिर दे दूंगा, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। 4,000 का डीजल। पापा जी वो पेट्रोल डलवाना था। भरवाले भरवाले, मैंने कहो मना करी है। पर पापा जी पैसे, पैसा ना होगा तो पे। अब तो तेरी वीडियो मिली है ना, मैं जा रही हूँ बिना रे का पैसा। पापा जी वहाँ से पैसे तो आ रहे हैं पर। पर का, पर काहे को पंचायत जोड़ रहा, भरवाले। भरवा रहा हूँ जी। अर्जुन टैंक फुल करवाइयो। ले भाई पेट्रोल कर दियो, टैंक फुल है। ठीक है, पैसे मेरे जा रहे हैं, मजे ये ले रहे हैं। कहाँ बड़बड़ा रहा है? पापा जी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं ना, ऐसे ही अगर सब्सक्राइबर भी 1 मिलियन हो जाते तो मजा आ जाता। हो जाएंगे वे भी, हो जाएंगे, चिंता मत कर, मैं बड़ो बुढ़ों मेरी बात सब मानेंगे, सब सब्सक्राइब करके जाएंगे आपके चैनल है। सब्सक्राइब भी फ्री में करवाओ। कहाँ बड़बड़ा रहा हो तू, कहना कहाँ जा रहा है? पापा जी मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आपके कान बज रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपके कानों को इलाज की जरूरत है। चुपचाप बैठे रहो, नहीं थारी थूत पे ऐसा तमोचा फेंक के मारूंगा, तुम दोनों की थूत रोड पे जाके पड़ेगी। चल अभी आते मुरब्बा ले आओ जी। चल रहा हूं जी। यार भूख लग रही है यार, कोई सा खाने को देना कुछ। बता तेरा भाई बियर लाया, खोलूं एक मिनट। तेरा भाई लाया हुक्का, बनाओ भी। अबे सालो भूख बोल रहा हूँ, भूख खाने से बुझेगी, खाने को कौन सा लाया ये बताओ बस। यार खाना तो हम में से कोई भी नहीं लाया यार। शाबाश,
इसी की कमी थी सालो, ना तुम पैसे लाओगे ना तुम खाना लाओगे, अब महाराजाओं को कहीं रेस्टोरेंट में बिठा के खाना भी खिलाओ। मैंने तुम गोद ले रखे हो क्या यार? सूरज पानी की बोतल दे भाई। भाई पानी भी को नहीं लाया सालो, भूखे प्यासे इस ट्रिप पे आत्महत्या करने आए हो क्या है? कहीं छत वत से कूद के मर जाते हैं, मेरी सिरों के मरोगे दोनों। अब भाई हमें पता था ना तू संभाल लेगा। हटा यार। अरे गाड़ी काहे को रोकली? पापा जी आप लोग दो मिनट रुको, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, मेरा गला से सूख रहा है बहुत ज्यादा। अरे रुक, लाई तो हूँ मैं पानी, पूरा मयूर जग भर के लाई हूँ। मम्मी जी खाना भी तो खाना है, भूख लग रही है, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना। तो खाना भी लाई हूँ ना मैं, ले तू आलू पूरी खा। मम्मी जी मैं नहीं खा रहा आलू पूरी, मैं तो कहीं सेब वेब लूंगा, मैं फ्रूट की दुकान पे रोक लूंगा गाड़ी। तो मैं लाई हूँ बेटा, ये ले सेब खा तू। बाहर का कुछ नहीं खाना समझे, और आप तो नाशपाती खाओगे। थैंक यू। अच्छा मम्मी चलो कहीं रुक के मीठा तो खा ही लेते हैं ना। लाई हूँ ना मैं मीठा भी लाई हूँ, ले तू बर्फी खा। ये ले। मुझे बर्फी नहीं खानी। तो इमरती और गुलाब जामुन भी है, ले ये खाओ लो। अच्छे बच्चे बाहर खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है? समझ गया मम्मी। चलो छोटू, एक बटर पनीर मसाला ले लियो, एक मटर पनीर, एक पालक पनीर, एक चिली पनीर ड्राई, ठीक है? और नान है, बटर नान लगा दे गर्मा गर्म बिल्कुल बढ़िया सी, और सोया मलाई चाप ले आ फटाफट ले आ। भाई इतना सब कुछ खा लेंगे हम? हम? अबे ये तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है, तुम दोनों अपना ऑर्डर खुद दो। तो सुन भाई, जो इसने मंगाया ना वो सब कुछ मेरे लिए ले आ। और चिकन में जो है सब लिया एक प्लेट। अरे ये हुई ना बात मेरे बब्बर शेरो, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल सही बात है भाई, घर जाके चाय किडनी बिक जाए हिसाब करूंगा। जोक्स था, जोक्स। Spin it round, turn it upside down. Can't stop. Shake your booty. माना नहीं, देख लो कमीना, पैसा एक नहीं कमाना पर पैसों में आग कितनी भी लगवा लो इन पे। कोई बात ना बालक है, कदी कदा इनको बाहर को खाने को मन करे करे, खा लें दे। थैंक यू पापा। भाई हाफ पेड़ी दाल और 6 रोटी ले आओ। पापा जी ट्रिप पे आके दाल रोटी कौन खाता है? हाँ अभी बनवाऊंगी तेरे लिए 56 भोग, जब तक 2-4 हजार रूपए में आग नहीं लगा देगा चैन नहीं पड़ेगा ना तुझे। बेटा ट्रिप पे हल्को खाना खाए करे, नहीं तो उल्टी उल्टी हो जाए करे, पेट खराब हो जाएगा। अरे पापा जी उल्टी तो जब लगेगी ना, जब पेट में कुछ होगा, पता नहीं हाफ प्लेट दाल आप किस किस के कान में डाल दोगे। एक काम कर तू हमें बेक दे और खा लियो पनीर टिक्का शाही भोजन, फिर तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अरे मम्मी तुम चुप रहो, मैं खा लूंगा दाल, ठीक है? बस यहाँ मेरी बेइज्जती तो मत करो, इतने सारे लोग बैठे हैं। हाँ बस तेरी तो इज्जत, हमारी तो कोई इज्जत ही ना हो, तेरे ही लटक रहे घुंघरू। छोड़ो यार। अबे ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है यार? अबे भाई मुझे तो नहीं आ रही भाई, मैं नाक के बाल फूंक दिए सारे, तुझे बदबू ही ना आ रही? बस सालो सच बताओ कौन से नेपादा है? शीशे खोल कितनी बुरी बदबू यार। ऐसे ही नारी बदबू, यूं ही मना कर रहा है, इसी नेपादा साले। यार मैंने नहीं करा यार कसम से, चाहे तो आधा पादा कौन पादा कर लो यार। मैं तेरे आधा पादा में कौन पादा, मैं आग लगा और गाड़ी साइड में लगा, मैं बेहोश हो रहा हूँ भाई। ओ भाई मुझे तो उल्टी होएगी यार। अबे सालो ऐसे कौन से लकड़ बग्गे खाए थे तुमने जो इतनी गंदी बदबू उठा रखी है? मैं सूरज तू तो है दुश्मनों को बेहोश कर सड़क पे जा गए, हम पे जुल्म ढा रहा है यार। यार मैंने नहीं करा यार सच में। अरे सीसो का ही खोल रहा है। अब पापा जी गर्मी सी लग रही है थोड़ी सी। एसी चलता रहे यार, बंद कर। कर रहा हूं जी। काव मुंह में लगा रखी है। पापा जी मेरा जी खराब हो रहा है, उल्टी लगेंगी शायद मेरे।
पैदल ही चला जाऊं भाई। क्यों? इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा ले यार, ऐसे तो इस जन्म में पहुंचने से रहे हम। सही बात है यार, अपन चिल करने आए हैं यार, बड़ा यार गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी, तभी तो कानों की फील आएगी यार। ओके कैसे जहाजी बनाया गया आपको? या मंदी चला ले पापा जी, और कितनी मंदी चलाऊं, ऐसे चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ तो लगने देना टाइम, तुझे कौन सा कहीं आग बुझाने जाना है? मम्मी मम्मी कहा तो कह दी ना, मंदी चलाते या मंदी चला। गाने तो चला लू पापा जी कम आवाज में। हाँ कोई बढ़िया सी राग नहीं लगा दे। हाँ यू बढ़िया लगाइए। इससे तो बंदी बढ़िया पापा जी, रहन दो तो ठीक है, पर दिया मंदी चला ले। अब तो ठीक है पापा जी, बस थोड़ी सी मंदी और कर ले, थोड़ी सी करते ही मजा आ जाएगा। तो गाइज कैसी लगी यार वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके आपको ये बताना है कि अगर आपको एक फ्री ट्रिप का मौका मिले तो आप किसके साथ जाएंगे, फैमिली या फ्रेंड्स, और कहाँ जाएंगे। हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो 3 वीडियोस की एक सीरीज होगी जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वो कार से ही रिलेटेड होगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपसे वो सीरीज मिस ना हो। और हमारे 6,00,000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।